भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री, इनके बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार को शुरू से शह देते आए हैं। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने शिक्षा घोटाले में एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर का मकसद जितना जांच करना है उससे ज्यादा भाजपा के नेताओं को बचाना है। शिक्षा घोटाला 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही शुरू हो गया, जब सीबीआई ने एफआईआर की, कुछ दिन पहले ही एफआईआर हुई है। 5 साल पहले हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर जांच करके सीबीआई एफआईआर दर्ज करे। ऐसे सबूत मौजूद हैं, ऐसे आंकड़े, ऐसे फैक्ट्स हैं उस केस के अंदर कि सीबीआई को रिपोर्ट दायर करनी पड़ी, एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में 5 साल लगा दिए सीबीआई ने कोर्ट के आदेश के बावजूद, क्योंकि बड़े नेताओं को बचाना था। जब सीबीआई ने यह माना कि बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ था, बहुत सारे अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इनके बच्चों की वर्दी का पैसा, मिड डे मील का पैसा, वजीफे का पैसा, ये सब कागजों में दिखा करके भ्रष्टाचार में हड़प लिया गया, तो ऐसा कैसे संभव है कि पूरे हरियाणा में यह घोटाला हो और उसके ऊपर उस वक्त के शिक्षा मंत्री का हाथ ना हो, उस वक्त के मुख्यमंत्री का हाथ इस घोटाले के ऊपर ना हो? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारा स्पष्ट तौर पर यह आरोप है कि उस वक्त के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी को सीबीआई इस पूरे घोटाले में बचाने का प्रयास कर रही है। कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि कैसे सरेआम नेताओं को बचाया जा रहा है। और यह सिर्फ एक मामले में नहीं होता है, बीजेपी के किसी भी घोटाले को, किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, जब भी इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है ये उसको अधिकारियों के ऊपर टाल करके निकल जाना चाहते हैं, अधिकारियों को शिकार बनाते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, लेकिन कभी किसी नेता का नाम भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने भ्रष्टाचार में नहीं आने दिया, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं से ना कभी कोई बरामदगी हुई, ना किसी तरीके का कोई सबूत इनके पास है, उसके बावजूद भी हमारे नेताओं को महीनों से, सालों से जेल में डाले हुए हैं सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके, और हरियाणा में वही सीबीआई भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, उनके नाम एफआईआर से हटाए जाते हैं, उनके नाम एफआईआर में डाले नहीं जाते, जांच के दायरे में उनको लाया नहीं जाता।